मतलब के हो गई तब वो इतना जवान लगे लगा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिब्बू और आप देख रहे हैं सिब्बूज ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाने जा रही हूँ और आप पता ना आपको इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस शख्स को सारा गांव ये जानता था, तो उसके बारे में मैं उसका कुछ खजाना रखा हुआ मैं दिखाने जा रही हूँ, अपने दादाजी का खजाना दिखाने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाबा की बहुत याद आ रही थी और वो तो याद आएगी ही, क्योंकि वो मेरे पहले हीरो थे और हैं और हमेशा रहेंगे भी। वह सुबह उठते थे तो ऐसे ही झाड़ू उठाकर ही उनका सुबह होता था और सबसे पहले झाड़ू लगाते थे। दिन भर में 5 बार द्वार पे झाड़ू लगाते थे। इस गांव के सारे लोग के चहेते थे वो। मई 2021 को वो गए हैं भगवान जी के पास, लेकिन लगता है कि वो गए ही नहीं, लगता है घर पर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोग उनको मानते थे। चलिए खजाना दिखाते हैं। सबसे पहला खजाना उनका ये सुरती रखने वाला डिब्बा है, जिसे वो चुनौती बोलते थे, और ये अपने पास हमेशा ही रखते थे वो। अब चलते हैं दूसरे खजाना की तरफ। ये देखिए, ये उनका चश्मा है जो कभी भी लगाते नहीं थे। इसको लगाते थे तो बोलते थे कि दिख नहीं रहा है, और ऐसे बिना चश्मे के उनके आँख से बहुत ज़्यादा दिखता था, दूर दूर की चीज़ें देख लेते थे वो। और तीसरा रहा ये चाकू, अपने पास हमेशा ही रखते थे। इसे मैं खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये चाकू है। और चौथा खजाना, सबसे स्पेशल खजाना, मेरी माँ के लिए भी ये बहुत स्पेशल है। ये 35 रुपये है इसमें, और ये मेरे बाबा जब जा रहे थे, जब भगवान जी के पास जा रहे थे, तो ये माँ को दे के गए थे। और ये आने को ये एक है जो कि इसी में वो पैसा रखते थे, ये उनका पर्स था। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सबसे प्यारा उनका जो खजाना था वो ये है, ये लाठियाँ। बहुत सारी लाठियाँ हैं, लेकिन जो स्पेशल लाठियाँ थी उनके लिए वो मैं दिखाती हूँ। ये वो लाठी है, ये वो लाठी है जिससे कि वो रात में अपने पास रखते थे। ये वो लाठी है जो कोई मांगता था तो इसको देते थे। और ये वो लाठी है, मेरे लिए सबसे स्पेशल लाठी, जो कि हमेशा अपने पास रखते थे। यही लाठी लेकर वो चलते थे। ये आप लोगों को भी याद आता होगा, ये लाठी लेकर वो चलते थे। और ये वो लाठी है जो कुत्ता और बिल्ली भगाने के लिए रखते थे। ये बाबा का बेड है, बाबा का लगाया हुआ अपने हाथ से। ये एक पौधा बचा हुआ है मेरे घर, और ये हमेशा ही मैं कोशिश करूंगी कि ये जीता रहे, और इस डिब्बे में ये लगाए थे पौधा। तो फ्रेंड्स, ये है खजाना जो कि वो हमेशा कोई भी आता था तो उसके पास लेकर जाते थे, और वो उसको इसमें से कहानियाँ सुनाते थे, जिसे वो काथा बोलते थे, उसको सुनाते थे। छोटी विरजाभार का ये किताब है, उनको बहुत ही पसंद था, और ये यही किताब पढ़ते थे, और एक हनुमान चालीसा पढ़ते थे और दुर्गा चालीसा पढ़ते थे। वो 97 वर्ष के हो चुके थे और इस गाँव के सबसे ज़्यादा उम्र के आदमी थे वो। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। अच्छा, दूध कबाड़े छूटो दूध में रुकले बा एक आँख में बीमार ऊपर बाय में ठीक हो गई बाय दूध की वजह से, दूध खाईला की वजह से। हाँ, बाटे। हाँ, पहले के लोग में और अब के लोग में का फर्क बा? बहुत फर्क बा। का फर्क बा? लोग खेत बाड़ी अपन कोरत करत रहे, खेती अपन ढेर करिए, तो खेती भी नहीं पड़े थे। सबसे ज्यादा के माने ले घर में? हम सबके माने ले। तब सबके बताइए।
के कुर्सा हमारे टांगे दिखाड़ी के बताओ क्या बताए। अच्छा आदत बोल आदत तो को ठीक बा कोनो खराब नहीं खे कोनो खराब नहीं खे ना कहके माने ले। अरे हमको माने ले कितना बहु कोई खाची माने सिबु माने ली तो सिबु हम कला माने ली बाबा मम्मी के मम्मी मम्मी तो मम्मी का कौन का जोर दी मम्मी तो हर माने ली। अच्छा खाना पाना सब पहले ही दवाई के दिया सके दिए लिया ये ना बोल क्या बाल रहो। अब पहले के जमाना में तू बड़ा कथा सुनाओ तराला कथा बुलबुला गई सब बुला गई ला कहाँ से सब पढ़ रहा ला बाबा। आ वो किताब हो जो ना सुन ठीक है बगलवा में हो गए वो कोई बगल में सब कथे लिखल बा। अच्छा तू अब चश्मा ना लगावे ला चश्मा ना लगावे ला काहे लौके ला बना चश्मा पड़ा लौक चश्मा पे ना लौके ला ए ना लौके ला ए का लौकत रे वाह ए का हुइया ले कोछर ले पोले। हाँ हाँ आँख खराब नहीं क्यों बोल रही उठा उठा जल्दी। वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।